warm greetings to all of you i dr vishnupriya Mani, department of accountancy and business statistics welcomes you all in this video we will discuss about the different methods of sampling you can see a chart of different sampling methods on the screen there are two type of basic methods of sampling random sampling method एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड हम सैम्पलिंग के मेथड्स को सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड करते हैं रैंडम एंड नॉन रैंडम रैंडम सैम्पलिंग मेथड और नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड के भी फिर हम लोग सब डिवाइडेशन करते हैं थ्री थ्री पार्ट्स में यानी रैंडम सैम्पलिंग मेथड को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है जिसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट है सिंपल रैंडम सैंपलिंग सेकेंड है रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग एंड लास्ट वन इज सिक्वेंटल सैम्पलिंग अब जो रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग है उसको भी हमने फोर सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है सिस्टमेटिक स्ट्रेटिफाइड क्लस्टर और मल्टी स्टेज यानी कि रैंडम सैम्पलिंग मेथड है उसको पहले हमने थ्री पार्ट में डिवाइड किया और उसका जो सेकंड पार्ट है उसको हमने फोर अलग पार्ट में डिवाइड किया इन सब सबकी जो मीनिंग है हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव uh, वे में आगे की स्लाइड्स में देखेंगे आपको मैं अच्छे से समझाऊँगी हर चीज़ को कि इनकी मीनिंग क्या होते हैं और कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं देन नेक्स्ट आपका सेकेंड जो बेसिक सैम्पल मेथड वह है नॉन रैंडम सैंपलिंग मेथड जिसको भी हमने थ्री अलग अलग पार्ट में सेग्रीग्रेट किया है जिसका नाम है कन्वीनियंस और कोटा सैंपलिंग सबसे पहले हम लोग मीनिंग देखेंगे कि वॉट इज द रैंडम सैंपलिंग मैथड तो अब देखिए सबसे पहले आपका है रैंडम सैम्पलिंग रैंडम सैम्पलिंग मीनिंग्स दैट एवरी मेंबर ऑफ दी पॉपुलेशन हैज़ अ सेम चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड यानी कि जब आपकी पॉपुलेशन के जितने भी मेंबर्स हैं सबको इक्वल चांस मिल रहा है सेम चांस मिल रहा है सेलेक्ट होने का दैट इज़ कॉल्ड रैंडम सैंपलिंग मैथड यानी कि कोई भी अगर आपका पार्ट सेलेक्ट हो सकता है तो उसको हम बोलते हैं रैंडम सैंपलिंग इफ़ यू वॉन्ट टू प्रोड्यूस रिजल्ट देट आर रिप्रजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन यू नीड टू यूज़ अ प्रोबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ग्रुप है वो एकदम सही रिजल्ट दे होल पॉपुलेशन का तो हम लोग रैंडम सैंपलिंग मैथड को ही प्रिफर करते हैं अब देखिए सबसे पहला हमारा पार्ट था इसका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इन अ सिंपल रैंडम सैंपल एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड यानी कि रैंडम सैंपलिंग एंड सिंपल रैंडम सैंपलिंग हैज़ अ सेम मीनिंग जिसके अंदर हम लोग ये देख सकते हैं कि आप कैसे उस चीज़ को मैनिपुलेट करते हैं कैसे आप उसको एक ही तरीके से सभी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं अब इसका एग्जाम्पल है कि अगर आपकी कोई कंपनी है और आपके हंड्रेड एम्प्लॉयज़ हैं तो आपने क्या किया हर मेंबर को एक एक नंबर दे दिया वन से लेकर हंड्रेड तक उनकी नंबरिंग कर दी और फिर आप कोई भी नंबर रैंडम सेलेक्ट करें जैसे वन फाइव देन सिक्स दैन देन एटीन यानी कि आपने क्या किया एक तरीके से एक बॉक्स बना लिया उस बॉक्स में एक से लेकर हंड्रेड तक के नंबर डाल दिए और आप कोई भी चिट निकाल रहे हैं और चिट में जो भी नंबर आ रहे हैं उन लोगों का आप लोग सिलेक्शन कर रहे हैं तो इट मी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आपने क्या किया कोई भी सिस्टमेटिक सिस्टम system नहीं आपने अपॉइंट किया है आप रैंडमली चिट्स के अकॉर्डिंग या ड्रम्स के अकॉर्डिंग या व्हील के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हैं कोई भी यूनिट uh, को सेलेक्ट कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड सिंपल रेंडम random sampling अब नेक्स्ट है आपकी रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग के हमने अलग अलग फोर पार्ट डिवाइड किए थे आपको ध्यान हो तो देखो रेस्ट्रिक्टेड सैंपलिंग है इसमें मैं आपको समझा दूँ कि इसमें आपने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया इट मीन्स आप क्या कर रहे हैं रैंडम सेलेक्शन तो है लेकिन आपने कुछ ना कुछ इसमें सिस्टम डिसाइड कर दिया है या कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है थोड़ा सा जिससे क्या हुआ वो एक मैनेज हो गई वो एक सिक्वेंस में आ गई इस कारण ही हम इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग तो अब देखो इसका फर्स्ट जो पार्ट है, वो है हमारा सिस्टमैटिक सैंपलिंग अब सिस्टमैटिक सैंपलिंग के नाम से ही है कि आप क्या कर रहे हैं रैंडम सैंपलिंग तो कर रहे हैं बट आपने इसको क्या किया है कुछ चेंज कर दिया है आपने क्या किया है जो पॉपुलेशन के जो भी आपके यूनिट्स हैं उनका सिस्टम डिसाइड कर दिया है और उस सिस्टम से आप सिलेक्ट सिलेक्शन कर रहे हैं अब जैसे मैंने आपको वापस पिछला एग्जाम्पल ही रिपीट करती हूँ आपके हंड्रेड एम्प्लॉयज़ हैं आपने हर एम्प्लॉय को नंबर दे दिया अब आपने ये सिस्टम डिसाइड कर दिया कि हर जो फिफ्थ नंबर वाला एम्प्लॉई है वो क्या होगा सेलेक्ट होगा हर फिफ्थ नंबर यान, वाला यानी फिफ्थ देन टेंथ देन फिफ्टीन देन ट्वेंटियथ देन ट्वेंटी फिफ्थ तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं सेलेक्शन कर रहे हैं तो आपने इसमें क्या किया एक सिस्टम बैठा दिया और सिस्टम के अकॉर्डिंग आप लोग क्या कर रहे हैं सिलेक्शन कर रहे हैं तो ये हमारी हो गई सिस्टमैटिक सैम्पलिंग सेकेंड आपका आता है स्ट्रेडिफाइड सैंपलिंग इन दिस सैम्पलिंग मेथड वी डिवाइड द पॉपुलेशन इन टू सब ग्रुप्स बेस्ड ऑन रिलीवेंट करेक्टरिस्टिक्स यानी कि ये कब काम में आता है जब आपकी पॉपुलेशन में अलग अलग करेक्टर्स के यूनिट्स इंक्लूड होते हैं और आप क्या कर रहे हैं वहाँ पर ग्रुप बना रहे हैं और उस ग्रुप के अंदर हर करेक्टर का क्या कर रहे हैं आप लोग अलग अलग करेक्टर वाइज ग्रुप बना रहे हैं जैसे आपने मान लीजिए आपके क्या है बच्चे से लेकर और सीनियर सिटीजन तक आपने क्या किया है आपकी यूनिट जो पॉपुलेशन की यूनिट है उसमें सारे इंक्लूड है तो आपने एज वाइज बना दिया चिल्ड्रंस दें teenagers, then adults. देन सुपर एडल्ट सीनियर सिटीजन सिटीजन्स तो आपने सीनियर सिटीजन इसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया एज ग्रुप के अकॉर्डिंग सब ग्रुप्स बना दिए अब आप क्या करेंगे जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ का जो सिलेक्शन है वो आप क्या करेंगे उन ग्रुप्स के अकॉर्डिंग कुछ कुछ यूनिट्स को आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे तो ये हमारा कहलाता है स्टेटिफाइड सैम्पल इन दिस सैम्पल वी क्रिएट दी सब ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू रिलिवेंट करेक्टरिस्टिक्स जेंडर वाइज हो सकता है इनकम के जो ब्रैकेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हो सकता है जॉब रूल्स के अकॉर्डिंग हो सकता है तो अब आपने क्या करा मान लीजिए पांच ग्रुप बना दिए एज वाइज तो अब आप जब सैंपल क्रिएट कर रहे हैं तो हर ग्रुप में से आप क्या क्या करेंगे दो दो सैंपल ले लेंगे तो इस तरीके से आपका जो सैंपल है वो क्रिएट हो जाएगा तो इसका फ़ायदा क्या होता है उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके जो सैंपल है उसमें हर करेक्टर का जो है यूनिट है वो इंक्लूड हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग अब है आपका क्लस्टर सैम्पलिंग देखो क्लस्टर सैम्पलिंग भी एक तरीके से आपकी ग्रुपिंग सैम्पलिंग ही कहलाती है लेकिन इसमें क्या किया है आपने इसमें आपने पॉपुलेशन को सब ग्रुप में तो डिवाइड किया है बट ई सब ग्रुप शुड हैव सिमिलर करेक्टरिस्टिक यानी कि आपने जो सब ग्रुप बनाए हैं ना उस उन सब ग्रुप में भी क्या है हर करेक्टर का बंदा है यानी कि आपने पाँच ग्रुप बना दिए तो पाँचों ग्रुपों में हर करेक्टर के बंदे को आपने इंक्लूड किया है हर करेक्टर की यूनिट को आपने इंक्लूड किया है तो वो हमारी क्या कहलाती है आपकी क्लस्टर सैंपलिंग कहलाती है यानी कि अगर मान लीजिए मैं एक ग्रुप बना रही हूँ उस उस ग्रुप में मेरे पाँचों तरीके के एज के जो यूनिट्स हैं वो इंक्लूड हैं सेकंड ग्रुप बनाए उस सेकंड ग्रुप में भी पाँचों ए के ग्रुप की हमारी क्या है कंप्लीट है तो ये जैसे मान लीजिए कहाँ पर आपकी ज़्यादा यूज़ में आती है जैसे मान लीजिए आप कोई भी रिसर्च करना चाहते हैं किसी एक कंपनी पर और उस कंपनी के टेन अलग अलग सिटीज़ में ऑफिसेज हैं तो अब आप क्या करोगे क्लस्टर सिस्टम अप्लाई करोगे यानी कि अलग अलग जगह पर टेन ऑफिसेज़ हैं तो उन टेन में से आप कोई भी तीन ऑफिस चूज़ कर लोगे और उन तीन का क्या करोगे आप लोग रिसर्च कर दोगे तो दैट इज़ कॉल्ड क्लस्टर सैंपलिंग यानी कि हर कंपनी में हर सभी काम हो रहे हैं हर ऑफिस में हर जगह हर हर सिटी वाले ऑफिस में अलग अलग जगह सभी सब काम हो रहे हैं तो आपने क्या किया उनमें से कोई तीन ऑफिस चूज कर लिया और उन तीन ऑफिस को आप क्या कर रहे हैं रिसर्च में इंक्लूड कर रहे हैं तो डेट इज कॉल्ड क्लस्टर सैंपलिंग अब आपका आ जाता है देखो ये एक मैप मैंने बना रखा है इस मैप के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं अब इसमें मैंने क्या किया है देखो सिंपल रैंडम सैंपल सिस्टमेटिक सैंपल स्ट्रेटिफाइड सैंपल और क्लस्टर सैंपल को अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट uh, कर रखा है सिंपल रैंडम में क्या था आपने क्या किया है कुछ नहीं किया आपने रैंडमली किसी भी यूनिट को सेलेक्ट कर लिया कोई आपका सिस्टम नहीं है कोई आपने सब ग्रुप नहीं बनाए हैं आपने केवल रैंडमली आपको आपने अपना डिटरमाइन कर लिया था कि मुझे सैम्पल साइज़ फ़ाइव रखना है और फाइव सैम्पल मुझे क्या करने हैं लेने हैं तो आपने रैंडमली कोई भी पांच यूनिट को अपने पिक कर लिया तो दैट इज़ कॉल्ड सिंपल रैंडम सैंपल सेकेंड आपका था सिस्टमेटिक सैम्पल सिस्टमैटिक सैम्पल में मैंने क्या किया है मैंने सबसे पहले सबकी नंबरिंग करी और उस नंबरिंग में भी मैंने क्या किया सिस्टम कर दिया है कि हर जो थर्ड पर्सन है हर जो थर्ड यूनिट है मुझे वो लेनी है तो देखो मैंने क्या किया फर्स्ट यूनिट ले ली फर्स्ट यूनिट के बाद सेकेंड थर्ड या ले ली उसके बाद जो थर्ड यूनिट आई उसको ले लिया यानी कि मैंने सब के बीच में दो दो का गैप रखकर हर थर्ड यूनिट को मैंने अपने सैंपल में इंक्लूड कर लिया तो एक सिस्टम के अकॉर्डिंग मैंने जब यूनिट को इंक्लूड किया है अपने सैंपल में तो दैट इज़ कॉल्ड सिस्टमैटिक सैंपलिंग नेक्स्ट है आपकी स्टेटिफाइड सैंपल स्टेटिफाइड सैंपल में आप क्या कर रहे हो करेक्टर वाइज ग्रुप बना रहे हो अलग अलग यानी कि ग्रीन का ग्रुप अलग ब्लू का अलग देन ग्रीन का एक ग्रुप अलग और देन ब्लू का ग्रुप अलग तो मैंने क्या किया सेम करेक्टर के एक एक ग्रुप बना दिए तो अब उसमें मैंने क्या किया है कोई भी दो ग्रुप मैंने ले लिए यानी कि मैंने क्या किया अलग अलग करेक्टर्स के ग्रुप बना लिए तो हर ग्रुप में से मैंने कुछ कुछ क्या किया यूनिट्स को ले लिया तो जो मेरा नया सैम्पल बना उसमें क्या हुआ हर करैक्टर का आ गया यानी कि मान लीजिए आपके मेल और फीमेल जैसे ग्रीन कलर फ़ीमेल को डिनोट कर रहा है और ब्लू कलर मेल को डिनोट कर रहा है तो मैंने चार ग्रुप बना लिए दो फीमेल के और दो मेल के और मैंने चारों में से क्या किया एक एक सैंपल ले लिया तो दैट इज़ कॉल्ड ए स्ट्रेटिफाइड सैंपल ये कहाँ पर काम में आती है जब आपके जो पॉपुलेशन है उसमें अलग अलग करैक्टर्स हैं बहुत सारे और आप चाहते हैं कि आपके सैंपल में हर करेक्टर का क्या आए एक यूनिट आ जाए क्योंकि जब भी आप रिसर्च करते हैं और एक सैंपल बनाते हैं तो एक अच्छे सैंपल के लिए असेंशियल है कि इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स तो आपके यूनिवर्स का रिप्रेजेंटेटिव कब होगा वो तभी होगा कि पॉपुलेशन में जितने भी करेक्टर हैं जितने भी अलग अलग फ़ीचर्स हैं क्वालिटीज हैं वो सारी क्वालिटीज़ भी आपके सैंपल में आए तो वो कैसे आ सकती हैं वो स्टेटिफाइड सैंपल के अकॉर्डिंग आ सकती हैं जिसमें आप क्या कर रहे हो अलग अलग करेक्टर्स को आपने क्या किया है सिग्निफाइड uh, ग्रुप बना दिए और हर उन हर ग्रुप में से आप एक एक सैंपल या ये दो दो सैंपल यूनिट आप लोग अपने सैंपल में इंक्लूड कर रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड स्टेटिफाइड सैंपल अब नेक्स्ट uh, है आपका क्लस्टर सैंपल देखो क्लस्टर सैंपल में आपने क्या किया है सब ग्रुप तो बनाए हैं लेकिन आपने क्या किया है जितने भी सब ग्रुप बनाए हैं उन सब में हर ग्रुप में हर करेक्टर के लोग हैं यानी कि आपने देखो अगर मेल फीमेल वाइज बात करें तो मैंने यहाँ पे पांच ग्रुप बनाए हैं क्लस्टर में और उन पांचों में क्या किया है मैंने मेल भी ली है फीमेल भी ली है यानी कि मेरा हर ग्रुप पूरे करेक्टर को क्या करेक्टरिस्टिक्स को क्या कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है तो अब इसमें हम क्या करते हैं हम इसमें कोई भी ग्रुप ले लेते हैं एक ग्रुप दो ग्रुप तीन ग्रुप आपने अपने अपने अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सैंपल साइज के अकॉर्डिंग आप लोग उतने ग्रुप उसमें से ले सकते हैं चूज़ कर सकते हैं तो क्लस्टर सैम्पल में आपने क्या किया है आपने जो सब ग्रुप बनाए हैं उन हर ग्रुप में क्या है हर करेक्टर का यूनिट आपने इंक्लूड किया है और उसके बाद आपने क्या किया है कोई भी दो ग्रुप या तीन ग्रुप आपने अपने सैंपल के लिए चूज़ कर लिए तो बेसिकली जो रैंडम सैम्पलिंग है उनमें ये जो चार सिस्टम है यही काम में आते हैं अभी रैंडम सैम्पलिंग कंप्लीट नहीं हुई है रैंडम सैम्पलिंग के जो कन्फ्यूज़न करने वाले जो आपस में जो कन्फ्यूज़ करते हैं वो बेसिकली चार ही हैं सैम्पल मैथड्स जो कन्फ्यूज़ करते हैं जिनको मैंने आपको इस पिक्चर में शो करके अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आप इनमें आपस में कंफ्यूज ना हो अभी हम लोग इतना ही करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे के सैंपल मेथड करवा दूंगी तो हमारा ये मेथड ऑफ सैंपल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा थैंक यू